स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस आखिरी एक्सरसाइज में, जो कि 4 का आखिरी एक्सरसाइज है और इसमें हम लोग पूर्ण रूप से डीपली कंप्लीट करेंगे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान होता है, एग्जाम में आपको ये गारंटी है अगर आप इस वीडियो के साथ अब इसमें जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, आप अपने एरिया में दी बेस्ट करेंगे। बस जुड़े रहिए ज्ञापन एकेडमी के साथ और मजे ले करके पढ़िए। यहां देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या एक ऐसे आम का बगिया बनाना संभव है, यानी कि एक आम का बगिया बनाना यानी बगीचा बनाना, इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है एक आम का बगीचा, कैसा बगीचा, यहाँ देखिए, जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या हो, दुगुनी हो, यानी कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। आप बताइए, ये मान लीजिए कि आम की बगिया है, ठीक है, यानी आम का बगीचा है, लंबाई कितना है, लंबाई कह रहा है चौड़ाई से दुगुनी, ये जितना भी होगा ना इससे दोगुना होगा, रही दो होगा तो इसका दोगुना क्या होता है 4, अगर ये 3 होगा तो इसमें 3, 3 से दोगुना क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6, दो गुना माने होता है 2 से गुना, ठीक है, यही ट्वाइस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे कि क्या आम का बगीचा एक संभव है, लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है दोगुना है और इसका क्षेत्रफल दिया है कितना 800 m², तो इसकी लंबाई चौड़ाई निकालें। हमको तो कुछ नहीं पता है, खाली क्या पता है क्षेत्रफल पता है, क्षेत्रफल कितना है आयत का 800 m², आयत का पूरा क्षेत्रफल पता है लेकिन लंबाई चौड़ाई नहीं पता है। एक चीज बताया है, जितना भी लंबाई है चौड़ाई से दुगुना होगा, मान लीजिए कि ये अगर x चौड़ाई माने इससे दुगुना होगा तो 2 से गुना कर दे तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं, देखिए, माना कि चौड़ाई इज इक्वल टू x तथा लंबाई इक्वल टू 2 गुना है ना, तो 2 से x में गुना तो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल ट्रिक भी बता चुके हैं और एक शायरी पर भी बताए थे, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी l इंटू बी, लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो l इंटू बी, लंबाई कितना है x, लंबाई है 2x, चौड़ाई कितना है यहाँ पे, तो चौड़ाई है आपका x और क्षेत्रफल आपको ऑलरेडी दिया है कितना 800 ऑलरेडी दे चुका है, ये लिख दीजिए 800 और ये हो जाएगा आपका 2x में x है तो हो जाएगा x², ठीक है। ये कटाइए 2 से, 2 × 4 = 8, 00 हो जाएगा, ये हो गया 400, ये हो गया x². आपको एक चीज़ तो पता है कि ये क्या है स्क्वायर है, इधर आएगा तो किसमें बदल जाएगा रूट में बदल जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा √400 हो जाएगा इज इक्वल टू में एक्स। 400 का वर्गमूल कितना होता है, तो 400 का वर्गमूल 20 होता है, देखिए 20 को 20 से गुणा कीजिएगा तो 20 20 400 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स, एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर आप ला दिए 20 जो कि क्या माने थे चौड़ाई, चौड़ाई आपका कितना आ गया 20। अब क्या बोला है क्वेश्चन कि जो लंबाई है ना चौड़ाई से माने इससे दो गुना है, तो इससे दो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 होगा तो ये 2 से गुना कर दीजिए 40 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए लंबाई चौड़ाई इक्वल टू क्या आ गया, चौड़ाई आ गया आपका 20 और लंबाई कितना था 2x था, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 और x का मान 20, 20 × 40, यानी ये संभव है, चौड़ाई 20 है तो 20 का दोगुना कीजिए तो क्या हो जाएगा लंबाई हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार है, समझिएगा यहाँ पे कह रहा है इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु निकालना है। अगर ये उम्र का क्वेश्चन है, उम्र वाला क्वेश्चन सबसे पहले होता है क्या, बच्चा सबसे ज़्यादा डरता है उम्र वाला क्वेश्चन देख रहे, बाप रे एज वाला क्वेश्चन आ गया, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बनेगा देखिएगा कैसे, देखिए समझिए, कह रहा है दो मित्र की आयु का योग, यानी दो ठो फ्रेंड है और दोनों अपना उम्र जब जोड़ा है तो कितना बरस है, दोनों का उम्र मिला करके 20 बरस है, कितना बरस है 20 बरस। अब ये पता नहीं है ना कि पहले मित्र का कितना है, मान लीजिए दो वो मित्र हो गए, एक ये मित्र हो गया और एक ये मित्र हो गया, ठीक है, ये दोनों मित्र दोनों का उम्र मिला के कितना है 20 बरस है, ठीक है। अब ये नहीं दिया है कि इसका कितना है, अगर बताइए इसका उम्र अगर 5 बरस रहता तो इसका कितना हो जाता 15 बरस, कितना हो जाता है इसका पता, तब तो 15 × 5 कितना हो जाता है 20, तो पहला का उम्र पता अगर चल जा रहा है 5 तो दूसरा का उम्र क्या करेंगे 20 में से 5 घटा देंगे, लेकिन 5 तो अपने से बोल रहे हैं ना हम, पहले के उम्र को मानिएगा x तो दूसरा का हो जाएगा 20 − x, जितना होगा उसमें से क्या कर देना है घटा देना है, तो यही काम हम लोग करेंगे। और फिर कह रहा है कि 4 साल पहले, तो उसके बाद की बात है, पहले यहाँ लिख सकते हैं, माना कि पहले
मित्र की आयु, यानी कि आप लेट कर लीजिए, यानी मान लीजिएगा कि फर्स्ट जो फ्रेंड है उसका एज कितना है, आयु कितना है एक्स, दूसरे मित्र की आयु, जब ए का पता हो गया तो 20 में से एक्स 20x हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि चार वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। अभी इसका उम्र कितना है, वर्तमान आयु यहाँ पे लिख सकते हैं x वर्ष, कितना है x वर्ष। उनके मित्र जो दूसरे मित्र हैं उनकी आयु कितना है 20-x वर्ष। आप समझिए, अगर आपका उम्र अभी 12 वर्ष का है तो चार वर्ष पूर्व माने होता है पहले, चार वर्ष पूर्व आपका उम्र कितना होगा, अभी 12 है तो चार घटा दीजिए आप कितना साल के होंगे, 8 साल के होंगे। वही कह रहा है कि एज अभी जो प्रेजेंट एज वर्तमान में जो आयु दिया है इनमें क्या कह रहा है कि चार वर्ष पहले ही लोग कितना होंगे, तो इनमें से क्या करना पड़ेगा, चार घटाना पड़ेगा। आ चार वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, तो चार घटा के दोनों का आयु का गुणनफल माने होता है गुणा करना, गुणा करने के बाद कितना आता है 48 आता है, कितना आता है 48। तो यहां लिख सकते हैं प्रश्न से, चार वर्ष पूर्व अगर ये एक्स है तो चार वर्ष पूर्व एक्स माइनस चार, और ये क्या है 20 है तो क्या हो जाएगा 20-x है तो चार इसमें से घटा दीजिए। आ कह रहा है कि चार वर्ष पहले जब आपने घटा दिया तो इनका गुणनफल, ये बोल रहा है ना चार वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, तो दोनों के आयु को अगर गुणनफल गुणा कीजिएगा तो कितना आ रहा है 48 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो एक्स माइनस फोर इंटू 20 में से चार जाएगा तो हो जाएगा 16-x इज इक्वल टू 48। मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने आपको आता ही होगा, कैसे कीजिएगा, एक्स में दोनों से कीजिए, एक्स में 16 से तो हो जाएगा 16x, एक्स में एक से तो एक्स स्क्वायर, एक्स में तो 64 हो जाएगा, यानी 64 होता है। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया 16x। ठीक है, इज इक्वल टू में 48। अब एक काम करते हैं, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, या फिर इसको सब उधर लेते जाइए। आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण पढ़ रहा है ना, तो कोशिश कीजिए कि ये द्विघात के रूप में आ जाए। तो कैसे आएगा द्विघात के रूप में, इस सबको या तो उधर उठा के ले जाइए नहीं तो इधर लाइए। तो एक काम करते हैं, हम इसी को उधर ले जाते हैं, जानते हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि एक्स स्क्वायर किस में रहे, प्लस में ही रहे, तो कितना हो जाएगा, सब सिंबल बदल जाएगा। तो ये माइनस है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में, ये हो जाएगा प्लस में है तो माइनस में 16x, प्लस में 64, माइनस में 4x, आई हो जाएगा 48। ठीक है, इधर जीरो लिख सकते हो। ठीक है, क्या किए हम यहाँ पे, किए क्या है कि ये पूरा को उठा के हम इधर ला दिए, तो 48 ऑलरेडी था, ये माइनस में है तो प्लस में है तो माइनस में आएगी, माइनस में है तो प्लस में, ये माइनस तो प्लस और ये प्लस में था तो माइनस, पूरा सिंबल चेंज हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 16x और माइनस में 4x कितना हो जाएगा, माइनस में 20x। ठीक है, और 64 और 48 कितना होता है, 8 4 12 के दो हाथ में एक, 6 4 10 और एक 11। ठीक है, यानी कि अब बताइए ये द्विघात समीकरण हो गया कि नहीं। जब द्विघात समीकरण हो गया तो इसको बना लीजिए, अब किस रूप में, आप फॉर्मूला लगा के ही बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 112 लगा लीजिए फॉर्मूला। ए बराबर कितना होगा, ये फर्स्ट वाला ए होता है, ए कुछ नहीं है तो क्या होगा आपका, ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर माइनस 20 और सी बराबर 112, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है आपका 112। 20 का स्क्वायर होता है 400 और माइनस ये देखो 4 2 8, 4 1 4 और 4 1 4, ये थोड़ा सा घटाइएगा तो हो जाएगा माइनस में 448 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका, घटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 48। बताइए D अगर माइनस में आ रहा है तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि अगर D कभी भी माइनस में आए तो क्या होगा, ये संभव नहीं होगा, ये बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि D माइनस में होता ही नहीं है। तो बाबू ये उम्र इन लोगों का संभव ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये D किस में आया है, माइनस में आया। आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर D का वैल्यू माइनस आया, माइनस देखते समझेगा कि सॉल्व नहीं होगा, पनौती होता है वो माइनस। ठीक है, माइनस के आते ही बन ये नहीं पाएगा, तो ये क्वेश्चन संभव है ही नहीं। आप इतना ही हो, आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लिख दीजिएगा, यह संभव नहीं है। ठीक है, यानी इसका अस्तित्व यहाँ पे लिखा है ना, क्या निम्न स्थिति संभव है,
यदि है, अगर संभव होता तो आयु निकालना था, लेकिन माइनस में आ गया तो संभव नहीं है। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। तो बिना देर किए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना मज़ेदार है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है। पार्क समझते हो ना, ठीक है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालिए। कह रहा है कि आप यहाँ पे एक पार्क बनाना है, पूछ रहा है संभव है, उसका परिमाप कितना होना चाहिए 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। अब बताइए, तो ये मान लीजिए एक पार्क आयत टाइप का है। ये दिमाग में आपको चल रहा होगा कि आयत, आपको कैसे पता है कि पार्क आयत ही है, वर्ग भी तो हो सकता है। अगर ये वर्ग रहता ना बाबू, तो यहाँ ये नहीं बोलता कि लंबाई और चौड़ाई निकालिए, डायरेक्ट बोलता क्या, जब वर्ग होता तो सभी भुजाएं बराबर होती है, और बराबर होती तो बोलता कि इसकी भुजाएं निकालें। इसका मतलब क्या है, एक लंबाई चौड़ाई अगर दिया है, लंबाई कितना चौड़ाई, तो ये क्या होगा, आयत होगा, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है, लेकिन लंबाई चौड़ाई में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। तो क्या बोला है, इसका परिमाप, आयत का परिमाप आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान भी लीजिए, ठीक है। आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। क्यों होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, बताइए। परिमाप के माने होता है सबको जोड़ दीजिए, क्या निकल जाएगा, परिमाप। तो लंबाई है 2 गो, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना है 2 गो है, बी लिख देते हैं ब्रेथ, दोनों में क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, बाहर निकाल लीजिए तो क्या होगा, एल प्लस बी हो गया ना, यही तो फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप। तो ये ध्यान रखिएगा आप, आयत का परिमाप यहां लिखिए, पहले लिख देते हैं, माना कि लंबाई या चौड़ाई किसी को x मान लीजिए, लंबाई बराबर x। अब लिखिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप कितना होता है, 2 × 2 गो लंबाई है और 2 गो का है चौड़ाई है, तो कॉमन ले लिए। परिमाप कितना है, परिमाप है यहाँ 80, 2 × L + B, कटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 40, 40 बराबर हो जाएगा L + B। लंबाई क्या बने हैं x, 14 = x + b, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 14 − x = b। यहाँ देखिए लंबाई को आप x माने हैं, चौड़ाई है 40 − x, ये आप याद रखिएगा, लंबाई क्या है x और चौड़ाई है 40 − x, ये दिमाग में आप रखे रहिए। यहाँ अब देखिए, अब क्या बोला, इसका क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर, यानी 400 दिया है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × b, और 400 लिख दो यहाँ पे, आयत का क्षेत्रफल यही होता है 400 का 400। L कितना है, तो L आपको आने हैं x × b, कितना है, तो b है आपका 40 − x = कितना हो गया, 400 हो गया, ठीक है। यहाँ आप इसको बनाइए, ब्रैकेट डाल दें यहाँ पे, x में 40 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 40x माइनस x में x से गुणा कीजिएगा तो x² = में कितना हो गया, 400। इसको ले जाइए इधर, क्यों, क्योंकि ये माइनस में x² है, प्लस में रहता है तो थोड़ा सा आसान रहता है बनाने में, तो सबको इधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, सबको ले जाइएगा तो इधर हो जाएगा x माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 40x, और ये हो जाएगा प्लस में 400। देखिए ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, ये प्लस में है, आगे देखते हैं, आगे कुछ नहीं है तो प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको तोड़िए, आप फॉर्मूला पे बना लीजिए d = b² − 4ac, या फिर first × last पर, और आसान हो जाएगा x², इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 20x, और क्या हो जाएगा 20x, दोनों को देखिए तोड़े तो 20 में 20 से गुणा तो 400 आएगा, और 20 और 20 कितना हो जाएगा 40x, प्लस में है 400। हम ये 40 को तोड़े हैं, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है, तो जब x मिलेगा तो यहाँ हो जाएगा x − 20, और इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, माइनस में मिल रहा है 20, तो x − 20। माइनस क्यों है, जब माइनस हम लोग कॉमन लेते हैं तो पता है क्या होता है, जैसे ही हम लोग माइनस कॉमन लेंगे सब सिंबल बदल जाएगा, तो जहाँ प्लस होगा वहाँ क्या होगा, माइनस, आई माइनस में तो किस में हो गया, प्लस में हो गया। एक बाहर वाला लिखिए तो हो जाएगा x − 20, ठीक है, और एक अंदर वाला लिखिए x − 20, ठीक है। x का मान निकाल सकते हैं, x − 20 = 0, तो x = क्या हो गया, प्लस में 20। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो लंबाई कितना है, x = 20 है। अब हम आते हैं चौड़ाई निकालने, ठीक है। अगर हम चौड़ाई निकालते हैं तो लंबाई हमारा था x, तो x = चौड़ाई कितना था, तो 40 ये था, b = देख लीजिए यहाँ पे, यानी 40 − b = क्या था, 40 − x = b, 40 − x कितना है, 20,
बी, 40 में से 20 जाएगा, 20 इक्वल टू बी। अब हमको यहाँ देखिए समझना क्या है, ठीक है, क्या ये एक पार्क बनाना संभव है, यही ना क्वेश्चन पूछा है। तो पार्क तो बनाना संभव है, लेकिन पार्क किस टाइप का बनेगा, आयत टाइप का, आयत। हमको कुछ नहीं पता था ना आयत ना वर्ग, हम लोग लंबाई चौड़ाई दिया था तो हमको लगा या आपको भी लगा कि क्या है ये लंबाई चौड़ाई है तो आयत होगा, लेकिन बनाते समय हमारा रिजल्ट पता होता है कि संभव है, लेकिन क्या संभव है। तो देखिए लंबाई भी उतना ही आया है जितना कि चौड़ाई आया है, तो आप बताइए कि लंबाइयों बीस है चौड़ाइयों बीस है, इसका मतलब ये बीस है चौड़ाई भी 20 है तो ये भी 20 होगा, आमने सामने वाला क्या होता है बराबर, तो ये आयत अब नहीं रहा, यह क्या हो गया वर्ग हो गया। तो आप लिख सकते हैं ये संभव तो है लेकिन ये क्या है एक वर्ग है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, ये आप मत लिखिएगा, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, लंबाई बराबर 20 और चौड़ाई बराबर भी 20। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा, और इसके बाद हम लेकर के आएंगे एक बहुत ही धुआंधार क्लास जो कि ट्रायगोनोमेट्रिक। आपको एक फॉर्मूला हम याद नहीं करने देंगे, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ने को हम बोल रहे हैं, आपका एक एक फॉर्मूला आपको ट्रिक द्वारा बताएंगे, आपको दिमाग पे 1% प्रेशर नहीं पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। और आप मजे के साथ कहानी के साथ त्रिकोणमिति एक कहानी समझ लीजिए, बहुत ही मजेदार लेकर के आएंगे, और त्रिकोणमिति में आप मास्टर बन जाएंगे, ये दिमाग में आप बैठा लीजिए, क्योंकि त्रिकोणमिति बहुत ही आसान होता है। पूरे आपके 10th के बुक में सबसे आसान कोई आपको लगेगा तो वो त्रिकोणमिति लगेगा। और याद रखिएगा एक चीज, त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति से ही मैट्रिक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 9 और 8 और 9 लेसन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है, अब मजेदार रहता है। तो आप एक चीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस सेशन को, और अपने दोस्तों को बताइए इस, क्योंकि आपका त्रिकोणमिति होने वाला है एकदम बहुत ही आसान। इस बार हम करेंगे त्रिकोणमिति पर वार, ये दिमाग में आप बैठा लीजिए, त्रिकोणमिति बहुत ही आसान भाषा में बहुत एक कहानी के साथ, मैथमेटिक्स एक कहानी के साथ लेकर के आएंगे, और हर फॉर्मूला को ट्रिक के जरिए बताएंगे, आपको एक फॉर्मूला याद नहीं करने देंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग थीटा बैच के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।